जी सरस्वती पूजा हो रहा है उसका विसर्जन हो रहा है ड्रम सब हो रहा है डजेंट मैटर हम लोग करना है वी ओपन द गेट्स इज अ पोएम बाय देवकांत बरुआ दिस नेम इज ऑल्सो स्पेल्ड एज देवकांतो बरुआ ही इज अ पोएट ऑफ असैम ही हैड अ लॉन्ग लाइफ ऑफ एटी टू ईयर्स 1914 to 1996. He saw many ups and downs in life. He was born when the First World War, 1914 to 1918, started. He was 25 years old when World War II took place. The poet's experience, the poet experienced the joy of independence, 1947. आफ्टर अबाउट टू हंड्रेड ईयर्स ऑफ ब्रिटिश शू उसका आनंद लिए दो सौ साल के बाद उसको स्वतंत्रता भारत को मिल गया हॉरर्स ऑफ द हिंदू मुस्लिम राइट सुख दुख दोनों दिखे वी ओपन द गेट्स वॉज कंपोज इन द लास्ट पार्ट ऑफ हिज लाइफ ये कविता जो है कभी अपने जिंदगी के आखिरी हिस्से में कंपोज करते हैं अब पेज टू में हमारा है <coughs> टू फैग एंड ऑफ इज लाइफ जीवन का अंतिम कोटेशन है आफ्टर यूथ कम्स ओल्ड एज एंड द फर ऑफ डेथ जवानी के बाद बुढ़ापा आता है जैसे हमको आ गया है एंड फियर ऑफ डेथ ये हमको भी साथ आते रहता है फियर ऑफ डेथ हाउ शुड आई स्पेंड द लास्ट डेज ऑफ लाइफ जिंदगी का आखिरी समय कैसे बिताएं दिस इज द क्वेश्चन दैट इज हॉन्टिंग द पॉइंट कभी को यह परेशान कर रहा है और सब बूढ़ों को करता भी है मुझे भी कर रहा है अस अंडरस्टैंड द वर्ड गेट्स इन द पोएम अब देखिए पोएम को गेट्स हो जाए गेट्स क्या होता है गेट तो होता है फाटक लेकिन कविता में फाटक क्या है जीसस क्राइस्ट हैज यूज दिस वर्ड इन द होली बुक गॉस्पल इसका प्रयोग गॉस्पल में भी वाई गेट्स का देखिए क्या क्या जीजस क्राइस्ट क्या कहते हैं इट इज इजिया फॉर अ कैमल टू पास टू अडल्स आई देन फॉर अ रिच मैन टू एंटर द गेट्स ऑफ एवन इस समझ से क्या कहते हैं में क्या कहते हैं क्या कहता है एक ऊट जो है सुई के आंख से गुजर निकल सकता है लेकिन कोई आदमी अमीर आदमी स्वर्ग की के फाटक के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता ये दिखाते हैं क्या जिसको पैसा कौड़ी का ज़्यादा लोभ है ना उसको स्वर्ग जाना बहुत मुश्किल है यही दिखाना चाहते हैं अब देखिए तो पोएट देवकांत बरुआ इज थिंकिंग ऑफ द गेट्स ऑफ हेवन ये क्या सोच रहे हैं कभी स्वर्ग के फाटक के बारे में सोच रहे हैं द गेट्स ऑफ हेल नरक का फाटक है एंड मैनी अदर गेट्स और बहुत सारा गेट्स है अब देखिए एक एक करके हम लोग डील कर रहे हैं हमारे यहाँ पे में वट आर द गेट्स ये गेट क्या क्या है द पोइट मेंशंस मेनी गेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड ये गेट है दुनिया के चारों तरफ अलग अलग फाटक है क्या तो आप पहला देखिए गोल्डन सिल्वर पैलेन क्वीन ये है सोना चांदी का पैलन क्वीन पालकी ये भी एक गेट है उसी में लोग बहुत आदमी देखने चले जाते हैं उसी के अंदर देखा सोना चार पाल्कि कैसा होता है देखेंगे फिर क्या गेट है हैंडसम मैन एंड ब्यूटीफुल डैम जिल्स सुंदर सुंदर पुरुष सुंदर सुंदर औरत औरत यह हो गया उसको देखने में कुछ परेशान होते हैं कुछ लोग अच्छी अच्छी लड़की जैसे एक्टर एक्ट्रेस को देखने के लिए भीड़ लग जाती है ये सभी गेट है बिलोंग्स हैंगिंग ट गार्डन ये भी बहुत नामी जगह है इसको देखने भी बहुत लोग लाइन लगा देते हैं देवदासीज़ इन टेम्पल अब देखिए मंदिर में क्या कहते हैं देवदासी है तो उसको जो नहीं कहा जाता है लेकिन लोग कहते हैं देवदासी तो उसको भी देखते बहुत लोग देखना चाहते हैं बीसती फेस्टिवल पर्व त्यौहार जैसे देखिए पाठा का बलि पड़ रहा है भैंसा का बलि पड़ रहा है जानवर का बलि हो रहा है कभी कभी नर बलि भी होता है तो लोग उसको भी देखने चले जाते हैं वो भीड़ लगा देते हैं यंग बॉयज एंड गर्ल्स सुंदर लड़कों को सुंदर लड़कियों को देखने के लिए देखना चाहते हैं लोग एंड मैनी मोर बहुत सारा गेट है जिसमें प्रवेश करके लोग ये सब चीज देखना चाहते हैं समझ रहे हैं बहुत गेट है उसको टप के लोग ये सब चीज देखना चाहते हैं आनंद लेना चाहते हैं तरह तरह का अब देखिए क्राउड इज वेटिंग टू एंटर दीज गेट्स और गेट में भीड़ लगी रहती है सिनेमा देखने के लिए अच्छा सुंदर लड़का सुंदर एक्ट्रेस को देखने के लिए भीड़ लगी रहती है द एक्सपीरियंस पोइट हैज नो इंटरेस्ट इन दीज गेट्स लेकिन अनुभवी कवि है उसको जीवन को बहुत सुख दुख देख लिया है अब वो ये सब गेट में नहीं जाना चाहते हैं दी गेट ओपन फॉर द ही गेट खुला है द गेट ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर क्या गेट उसका है वो कहां जाना चाहते हैं जहां पर कला है साहित्य है अब पेज फोर में द पेंटिंग ऑफ न्यूकल रोई रिच उसमें देखिएगा रोई रिच इट्स अ सिंबल ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर ये किसका प्रतीक है ये पेंटिंग जो है इसका प्रतीक कला का साहित्य का प्रतीक है इन द वर्ड्स ऑफ द पोइट अब देखिए कोटेशन है देर इज अ पेंटिंग अबव माई टेबल मेरे टेबल के ऊपर जो पेंटिंग है इट्स बाय निकोलस रोइ वी ओपन द गेट अब ये पेंटिंग को देखना चाहता है ये पेंटिंग का कला का वो, वो जो फाटक है उसको खोल के वो अंदर जाकर सब पेंटिंग देखना चाहता है ये गेट वो खोलना चाहता है कला का गेट ईस्ट और वेस्ट दिस पेंटिंग इज द बेस्ट कहता है उसको इधर पूरब देखो या पश्चिम देखो उसको ये पेंटिंग सबसे अच्छा लगता है इसका गेट वो खोलना चाहता है द पोइट वॉन्ट्स टू स्पेंड द लास्ट डेज ऑफ हिस्स स्टॉर्मी लाइफ वॉचिंग दिस पेंटिंग का जीवन का अंतिम समय वो पेंटिंग देख के वो मरना चाहता है आर्ट इज अ गेट ऑफ हेवन आर्ट जो है ना यही है फाटक किसका स्वर्ग का फाटक अब देखिए कंपैरिजन है दिस पोइम इज सिमिलर टू ऑन फर्स्ट लुकिंग इन टू चैपन बाय बाई किड्स ये कविता है रोमांटिक पोइट से भी किड्स क्या कहता है मच तो ठीक कर है देते हैं मच हैव आई ट्रैवल इन द रेलम कोट हम बहुत जगह सफर किए हैं सुंदर सुंदर जगह रेलम कोट सुंदर सुंदर जगह गए हैं एंड मैनी गुडली स्टेट्स एंड किंगडम्स सी बहुत सुंदर सुंदर देश देखे हैं, स्टेट्स किंगडम बहुत सुंदर सुंदर राजा रानी वो देखे हैं राउंड मैनी वेस्टर्न भी और पश्चिम के बहुत सारा टापू पर हम गए आइलैंड्स बहुत सारा देखे हैं। लेकिन क्या करें देखिए पेज फाइव में अंतिम पेज भी है इन ऑल दीज प्लेसेज ही डि नॉट फाइंड द जॉय ही फाइंड इन रीडिंग चैपमेंस ट्रांसलेशन ऑफ होमर कहते हैं ये बहुत सारा जगह हम गए हैं देखे हैं लेकिन उसमें वो आनंद नहीं है जो आनंद किसमें है ये कविता पढ़ने में कौन कविता चैपमेंस ट्रांसलेशन ऑफ होमर होमर कौन था ग्रीक कवि था और इसकी कविता को क्या किया था? कहता है ये चैपमेंट ट्रांसलेट कहता है इंग्लिश में तब इंग्लिश में ये किस्ट कविता ये पढ़ा आत्मविभोर हो गया अगला इससे बढ़िया सुंदर आनंद कहीं नहीं अरे ये चैपमन ट्रांसलेटर है ओमन ग्रीक कवि है उसकी कविता पढ़ के किस बाग बाग हो गया किस पोएम गिव्स इम्पोर्टेंस टू तो पोइट्री ये कविता किसको महत्व देता है कविता को ओपन द गेट्स गिव्स इम्पोर्टेंस टू तो पेंटिंग ये किसको महत्व देता है पेंटिंग को ये पेंटिंग देखकर फिदा है पेंटिंग इज एन आर्ट पेंटिंग कला है कंपोजिंग पोएम इज ऑल्सो एन आर्ट कविता कंपोज करना भी कला है पेंटिंग भी कला है इन कंक्लूजन आर्ट एंड लिटरेचर कैन गिव प्लेजर दैट नथिंग इन द वर्ल्ड कैन गिव कहता है, साहित्य और कला वो आनंद दे सकता है जो दुनिया का कोई भी चीज़ नहीं देगा ये दोनों कवि का कहना है आर्ट इज अ की दैट विल ओपन द गेट्स ऑफ हेवन ये आर्ट जो है ये कुंजी है वो कुंजी से क्या कर सकते हैं गेट्स ऑफ हेवन को आप खोल सकते हैं आप उसमें प्रवेश कर सकते हैं स्वर क्या है आनंद है तो ये कला है और ये है ये चाबी है जिससे खुल के आप गेट्स स्वर्ग का फाटक खोल सकते हैं और आनंद ले सकते हैं स्वर्ग का अब लास्ट पैराग्राफ है वी ओपन द गेट्स इज इन फ्रीवर्स कॉन्टेंट और स्टाइल फ्री वर्स में द पोईम गिवस इम्पोर्टेंस टू आइडियाज नॉट टू रिम एंड रिधम रॉइम रिधम पर नहीं तुकबंदी पर ध्यान नहीं देता है स्प्रिंग्स वॉट माइटेस्ट प्रीवियल थिंग राइम रिधम पर ध्यान है लेकिन इस कविता रॉम रिधम फ्री वर्स है द नेम्स ऑफ प्लेसिज इन द पोइम आर डिफिकल्ट कविता पढ़िएगा बहुत भारी भारी नाम थे दिया है तो भारी भारी कुछ को ही नहीं तो याद ही नहीं होगा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगा भारी भारी मत दीजिए आंसर में द नेम्स ऑफ प्लेस इज द पोएम आर डिफिकल्ट बहुत डिफिकल्ट बट द लैंग्वेज इज सिंपल लेकिन भाषा शरल द पोएम यूज इज पोइटिक डिक्शन दैट वर्ड्स ऑथ एडवोकेट्स इन द प्रीफेस टू द लिरिकल वैल्यूस तो इसमें क्या है जो पोइटिक डिक्शन में पोइटिक डिक्शन क्या होता है शब्द का प्रयोग शब्दकोश क्या है चुकी वो, वो सिंपल है जो वर्षवत अपनी प्रीफेज में कहते हैं कविता को सरल भाषा में लिखिए कविता को कॉमन पीपल की भाषा में लिखी तो इस कविता में सिंपल भाषा यूज़ किया गया है दैट्स ऑल थैंक यू